हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक और वीडियो आपके साथ में शेयर करने के लिए आई हूँ। जो लोग फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो को देख रहे हैं, मैं आपको बता देना चाहती हूँ, छोटी छोटी स्टोरीज, पैराग्राफ, ऐसे मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ, जिनसे हम बहुत सारे न्यू वर्ड सीखते हैं, अपनी वोकैबुलरी को इम्प्रूव करते हैं। साथ ही जो भी ग्रामर दी जाती है, मैं कोशिश करती हूँ कि ईजी वे में आपको एक्सप्लेन कर सकूँ। सो यस, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है माई बुक के ऊपर। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत ही नॉलेजेबल है, और इसके अंदर हम प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के कुछ सेंटेंसेस देखेंगे। और स्टार्ट करते हैं रीडिंग। अ बुक इज अ गुड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। अ बुक यानी कि एक किताब, इज मीन्स है, अ मीन्स एक, गुड मीन्स अच्छी, सोर्स यानी कि स्रोत, ऑफ इंफॉर्मेशन। ऑफ इंफॉर्मेशन यानी कि ऑफ का मीनिंग होता है का, इंफॉर्मेशन यानी कि जानकारी का, ठीक है। एक किताब जानकारी का एक अच्छा स्रोत है। इस तरीके से इस सेंटेंस को हम सिंपली पढ़ेंगे, ये हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस होता है, वही है, ठीक है। एक किताब जानकारी का एक अच्छा स्रोत है। एंड और रीडिंग अ बुक इज अ रियली गुड हैबिट। एंड और रीडिंग अ बुक, रीडिंग यानी कि लगातार किसी भी बुक को पढ़ते रहना, ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने एक बार पढ़ के छोड़ दिया, ये हमारा कंटिन्यू एक्शन के अंदर आता है, ठीक है। रीडिंग अ बुक, एक बुक को पढ़ना, इज अ रियली, इज मीन्स है, अ मीन्स एक, रियली यानी कि सचमुच, गुड हैबिट यानी कि एक अच्छी हैबिट है। और एक किताब को पढ़ना, मतलब लगातार पढ़ना भी आप बोल सकते हैं, या फिर एक किताब को पढ़ना सचमुच एक अच्छी आदत है। वन शुड रीड अ बुक एवरी डे टू इंक्रीज देयर विजडम एंड नॉलेज। वन शुड यानी कि चाहिए, रीड मीन्स पढ़ना, अ बुक यानी कि एक किताब, एवरी डे यानी कि रोजाना, एक किताब रोजाना पढ़नी चाहिए। टू इंक्रीज मीन्स बढ़ाने के लिए, देयर विजडम, देयर मीन्स उसकी या उनकी विजडम यानी कि बुद्धि को और ज्ञान को, एंड नॉलेज, नॉलेज मीन्स होता है ज्ञान, कि किसी को भी बोल सकते हैं आप यहाँ पे कि किसी को अगर अपनी बुद्धि को और ज्ञान को बढ़ाना है तो उन्हें रोजाना एक पुस्तक पढ़नी चाहिए या एक किताब पढ़नी चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, इसके अलावा या इसके बावजूद, दोनों ही आप बोल सकते हैं, बुक्स हेल्प अस टू इंक्रीज आवर वोकैबुलरी एंड ग्रामेटिकल नॉलेज। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा बुक्स यानी कि किताबें हेल्प अस, किताबें हमारी मदद करती हैं। क्यों बोला? क्योंकि बुक्स हेल्प अस, हेल्प है नॉर्मली यहाँ पे, तो ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। बुक्स हेल्प अस, किताबें हमारी मदद करती हैं। टू इंक्रीज, इंक्रीज मीन्स होता है बढ़ाने में, आवर वोकैबुलरी, हमारी शब्दावली को बढ़ाने में हमारी मदद करती हैं। एंड और ग्रामेटिकल नॉलेज, ग्रामेटिकल यानी कि ग्रामर से संबंधित हमारे ज्ञान को बढ़ाने में हमारी मदद करती हैं। इसके अलावा किताबें हमारी शब्दावली और व्याकरण संबंधी ज्ञान को बढ़ाने में हमारी मदद करती हैं। सिंपल इस तरीके से इन सेंटेंस को हम रीड करेंगे, बहुत ही सिंपल सिंपल सेंटेंस है। माई फेवरेट बुक इज द प्रिंसेस एंड द पी। माई फेवरेट, मेरी पसंदीदा बुक मीन्स किताब है, तो मेरी पसंदीदा किताब है, बुक इज है द प्रिंसेस एंड पी। ये बुक का नेम है द प्रिंसेस यानी कि एक राजकुमारी, एंड द पी और एक मटर, और मटर, ठीक है, राजकुमारी और मटर, ये किताब का नाम है। यहाँ पर आप चाहें, आपको जो भी बुक पसंद है आप उसको लिख सकते हैं, ठीक है। इट इज़ द फेरी टेल, इट इज़ यह है, मीन्स एक फेरी टेल यानी कि ये परी की कहानी है। रिटन बाय, रिटन बाय ये राइट की ही थर्ड फॉर्म है, रिटन बाय यानी कि लिखी हुई है, पहले से ही ये लिखी हुई है तभी हम थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। रिटन बाय किसके द्वारा लिखी हुई है? ये हंस क्रिस्टन एंडरसन के द्वारा ये लिखी हुई है। ये एक परी की कहानी है जो हंस क्रिस्टन एंडरसन द्वारा लिखी हुई है, इस तरीके से हम इसे रीड करेंगे, क्योंकि यहाँ पे इसका यूज़ भी हुआ है, साथ ही थर्ड फॉर्म का भी यूज़ हुआ है, ठीक है। This book was a gift. ये हमारा past tense आ गया यहाँ पे। This book, यह किताब, was means थी, a gift, एक उपहार थी, from my cousin sister. From means से, my means मेरी, cousin sister यानी कि मेरी चचेरी बहन से यह किताब एक उपहार थी। On my fifth birthday, मेरे पांचवें जन्मदिन पर। It is a beautiful fairy tale. It is, यह है एक प्यारी सी परी की कहानी। Fairy tale means होता है परी की कहानी। It revolves. ठीक है, इट रिवॉल्व्स, ये भी हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया, क्योंकि यहाँ पे इट के बाद में इज आर एम का यूज़ नहीं हुआ है, सिर्फ हमारी जो वर्ब होती है वही है, उसके साथ में एस का यूज़ हुआ है। तो इट रिवॉल्व्स यानी कि ये घूमती है अराउंड अ प्रिंसेस, एक राजकुमारी के चारों ओर घूमती है। हु हैज़ अ बैड नाइट स्लीप, हु हैज़, जिसको होती है अ बैड यानी कि खराब नाइट स्लीप, जिसकी रातों की नींद जो है वो खराब होती है। बिकॉज, क्योंकि, अ क्वीन, एक रानी
पुट्स, यानी कि क्योंकि, बिकॉज क्योंकि अर क्वीन या एक रानी पुट्स अप, पुट्स यानी कि रखती है या डालती है, पुट मीन्स होता है रखना या डालना, बट यहाँ पे पुट्स है इसीलिए हमने बोला रखती है, ठीक है, या डालती है, दोनों ही आप बोल सकते हैं। पुट्स अ पी, पुट्स अ पी अंडर हर मैट्रेस, पुट्स अ पी एक मटर डालती है या मटर रखती है अंडर हर मैट्रेस, अंडर मीन्स नीचे, हर मैट्रेस यानी कि उसके जो गद्दा था उसके नीचे रखती है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस स्टोरी को बता दिया कि अभी तक जो स्टोरी चल रही है उस जो बुक है हमारी उसके अंदर ये टॉपिक है। ऐसे ही आपको जो भी आप बुक रीडिंग कर रहे हैं, आपको अपनी बुक के हिसाब से अगर आप किसी और बुक का नेम देते हैं तो उसको थोड़ा सा मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। आई रीड द स्टोरी बुक ड्यूरिंग बेड टाइम समटाइम्स, आई रीड मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ती हूँ, मैं यहाँ पे पढ़ती हूँ बोल सकती हूँ क्योंकि फेरी टेल्स की बात हो रही है और जनरली हम देखते हैं कि लड़कियाँ ही ज़्यादातर फेरी टेल्स की बुक्स को रीड करती हैं। तो मैं पढ़ती हूँ द स्टोरी बुक्स, कहानियों की किताबों को, ड्यूरिंग मीन्स दौरान, बेड टाइम यानी कि सोने के समय में, कभी कभी समटाइम्स यानी कि कभी कभी कहानी की किताबों को पढ़ती हूँ, इस तरीके से सिंपली आप इसे बोल सकते हैं। द बुक हैज़ ब्यूटिफुल पिक्चर्स, द बुक वो जो किताब है, हैज़ मीन्स उसके पास है या उसमें है, ठीक है, ब्यूटिफुल पिक्चर्स, उस किताब में बहुत सुंदर सुंदर तस्वीरें हैं। इन इट अलॉन्ग विद एन अमेजिंग स्टोरी, इन इट उस किताब में सुंदर सुंदर पिक्चर्स हैं, तस्वीरें हैं एक अद्भुत कहानी के साथ, ठीक है, एन यानी कि एक अमेजिंग अद्भुत, स्टोरी मीन्स कहानी के साथ। द कलरफुल पिक्चर्स मेक द स्टोरीज अपीयर मोर इंटरेस्टिंग टू रीड, द कलरफुल पिक्चर्स, कलरफुल यानी कि रंगीन, पिक्चर्स यानी कि तस्वीरें, द कलरफुल पिक्चर्स रंगीन तस्वीरें, मेक मीन्स बनाती हैं या करती हैं, द स्टोरीज अपेयर, स्टोरी को दिखाई देने लायक, ठीक है, हम जब बोलते हैं ना अपेयरिंग है ये तो बहुत, यानी कि दिखाई देने लायक कोई चीज़ हो रही है, कुछ अच्छा सा, मोर इंटरेस्टिंग बहुत रोचक, और भी ज़्यादा रुचि लेने वाली या बहुत ज़्यादा रोचक आप बोल सकते हैं, टू रीड पढ़ने के लिए, ठीक है। तो जो कलरफुल पिक्चर्स रंगीन तस्वीरें जो होती हैं वो एक किताब को पढ़ने के लिए और भी ज़्यादा रोचक दिखाई देती हैं या बनाती हैं, ऐसा आप बोल सकते हैं। माई मॉम सैड, साथ ही मैं भी ये चीज़ आपको बोलूँगी, माई मॉम सैड, मेरी मम्मी ने कहा या कहा था, मैं आपको एक और भी चीज़ बोलती हूँ, कभी कभी अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कन्फ्यूज़न होता है, आप कहा करके सोचते हो कि किस में सेंटेंस पाएगा, तो आप कहा के साथ में था भी लगा सकते हो, वहाँ पर भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। माई मॉम सैड, मेरी मम्मी ने कहा दैट कि रीडिंग स्टोरी बुक्स विल हेल्प इन इंक्रीजिंग आवर इमेजिनेशन, रीडिंग स्टोरी बुक्स कि कहानियों की किताबों को पढ़ना विल हेल्प यानी कि मदद करेगा, ये हमारा फ्यूचर टेंस हो गया, इन इन्हेंसिंग माई इमेजिनेशन, मेरी इमेजिनेशन यानी कि मेरी कल्पना को बढ़ाने में मदद करेगा, एंड और टेक मी यानी कि मुझे ले जाएगा, मी मीन्स मुझे, टेक मीन्स ले जाना या लेना दोनों ही होता है, टेक मी यानी कि मुझे ले जाएगा अ ड्रीमी वर्ल्ड, अ ड्रीमी वर्ल्ड यानी कि एक सपनों के संसार में, कि किताबों को पढ़ना मुझे मेरे ज्ञान की वृद्धि करेगा और साथ ही मुझे एक सपनों के शहर में या सपनों के संसार में ले जाएगा, ऑफ द प्रिंसेस यानी कि राजकुमारी के सपनों के संसार में ले जाएगा, इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा ये सिंपल हो गया। आई लव रीडिंग, आई लव मुझे पसंद है या मैं प्यार करती हूँ, दोनों ही आप बोल सकते हैं कि मैं पसंद करती हूँ या मैं प्यार करती हूँ रीडिंग स्टोरी बुक्स, मैं रीडिंग स्टोरी बुक्स यानी कि कहानी की किताबों को पढ़ना पसंद करती हूँ या मुझे प्यार है कहानी की किताबों को पढ़ने से, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। एंड और विश टू रीड, और मेरी इच्छा है, विश यानी कि इच्छा है, टू रीड यानी कि पढ़ने की, विभिन्न वैरायटी, वेरियस टाइप ऑफ बुक्स, वेरियस यानी कि विभिन्न प्रकार की, ठीक है, विभिन्न हो गया अलग अलग तरीके की, ठीक है, वेरियस यानी कि अलग अलग प्रकार की, एक ही तरीके की नहीं कि मैं सिर्फ कहानी स्टोरी बुक मतलब फेरी टेल्स वाली पढ़नी है, ऐसा नहीं, विभिन्न यानी कि अलग अलग तरीके की, स्टोरी बुक्स भी पढ़नी है मुझे, कुछ हिस्ट्री से रिलेटेड भी पढ़नी है, इस प्रकार की, ऑफ बुक्स टू इन फ्यूचर, मुझे भविष्य में विभिन्न प्रकार की किताबें पढ़ने की इच्छा है, सिंपल इस तरीके से आप इसे लिख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा इजी है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आपका कई बार कमेंट आते हैं कि मैम हमें ट्रांसलेट करना नहीं आ रहा, आज कुछ दिनों से मैं आपके साथ में जो टॉपिक्स शेयर कर रही हूँ वो बहुत ज़्यादा ईजी हैं, आपको अपने अकॉर्डिंग ये जो सेंटेंस है सेम सेंटेंस आप अपने अकॉर्डिंग बताइए, जो भी बुक आपको पसंद है, आप जो भी बुक को पढ़ना चाहते हैं, आप जो भी बुक पसंद है आपको इसी तरीके से उसके कुछ पॉइंट्स लिख दीजिए, आप अपने बारे में बताइए आपको कौन सी बुक पसंद है, कैसी पसंद है,
उसी से आप अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। आज की 3 वर्ड्स हैं जिनके आपको सेंटेंस बनाने हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना है। फर्स्ट वर्ड है हमारा विजडम, विजडम मीन्स बुद्धि। सेकेंड है इंटरेस्टेड यानी कि रोचक। एंड थर्ड है इमेजिनेशन यानी कि कल्पना। इन तीनों ही वर्ड्स आपको सेंटेंस बनाने हैं, कमेंट बॉक्स में लिखना है। आज का डिक्टेशन का फर्स्ट वर्ड है नॉलेज। मोस्टली लोग इसको लिखने में मिस्टेक करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, नॉलेज। सेकेंड वर्ड है इन्हेंसिंग एंड थर्ड वर्ड है अपेयर। फर्स्ट नॉलेज, इन्हेंसिंग, अपेयर। आई होप ये वीडियो और टॉपिक आपको पसंद आया होगा। जितना ज़्यादा हो सके आप रीडिंग कीजिए, जितनी ज़्यादा आप रीडिंग करेंगे आप खुद देखेंगे कि अपने आप इम्प्रूव कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। टॉपिक कैसा लगा है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर टाइम।